स्नेही बंधुओं, मन के द्वारा किए हुए विचारों से कर्म का बंध होता है। तो मन को समझना है कि मन है क्या। मन काम करता है तो खुद करता है या मन के द्वारा कोई और काम करवाता है। मन काम करने वाला है या स्वयं मालिक है, ये निर्णय करना होगा। जैसे आंख है, आंख मालिक नहीं है, मालिक आत्मा है। देखने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा नहीं देखना चाहे तो आंख होते हुए भी नहीं दिखेगा। यदि मन का उपयोग, आत्मा का उपयोग कहीं और लगा हुआ है तो सामने से कुछ निकल भी जाए तो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा मन के माध्यम से कुछ और देख रही है, इसलिए आंख होते हुए भी सामने वाली वस्तु नजर नहीं आई। सामने से बाजे भी निकल जाए तो पता ना चले, ऐसा भी कई बार हो सकता है। स्वयं मालिक है या मन के द्वारा काम कराया जा रहा है? तो उत्तर यही आएगा कि मन के द्वारा काम कराया जा रहा है, मन मालिक नहीं है। ये आत्मा का प्रतिनिधि है। क्या कहते हैं? ये आत्मा का प्रतिनिधि है। है तो ये आत्मा का प्रतिनिधि, लेकिन ये प्रतिनिधि भी भटका हुआ है। मन का काम है कि आत्मा के हित में काम करे। क्या काम है मन का? प्रतिनिधि किसका है? आत्मा का। तो किसका काम करना चाहिए मन को? आत्मा का काम करना चाहिए। लेकिन अनादि काल से इस आत्मा पर कर्मों ने कब्जा किया हुआ है। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो अंग्रेजों के हिसाब से शासन चल रहा था। ऐसे हमारी आत्मा पर कर्मों ने कब्जा किया है। तो कर्मों ने जब कब्जा किया है तो हमारी आत्मा का जो भी शासन चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, वो आत्मा पर अंग्रेजों का यानी कर्मों का शासन चल रहा है। अब जब आत्मा दब गई और कर्म मुख हो गए, वो अपने अनुसार चला रहे हैं, तो मन किसका काम करेगा? कर्मों का काम करेगा या आत्मा का काम करेगा? अरे बोलिए ना, कर्मों का काम कर रहा है। अभी किसका काम कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है। अब कर्म पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, इंद्रियां पुद्गल हैं, और बाहर के जितने पदार्थ दिख रहे हैं वे सब पुद्गल है, और जो मन का द्रव्य मन है वो भी पुद्गल है। अब यहाँ पुद्गल का प्रभाव ज्यादा हो गया, इसलिए आत्मा का प्रतिनिधि मन होते हुए भी काम पुद्गल का कर रहा है। करना तो चाहिए आत्मा का, लेकिन आत्मा की चल नहीं रही। भाई जिसकी चलती है काम तो उसी का होता है, जिसकी मालकियत होती है काम उसके अनुसार होता है। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अब बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। और मालकियत किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास में है। तो चलेगी किसकी? प्रधानमंत्री की चलेगी। तो ऐसे ही इस समय पर आत्मा पर कर्मों ने कब्जा किया हुआ है, अपना प्रभाव जमाया हुआ है, इसलिए मन कर्मों के अनुसार चल रहा है। इसलिए मन क्रोध करता है, मान करता है, मायाचारी करता है, लोभ करता है। ये कर्म है, कर्म करवा रहे हैं। मन के पास केवल गाड़ी चलाने की क्षमता है। अब उस पर सवार क्या कर रहे हो तुम? उस गाड़ी में रख क्या रहे हो तुम? उस गाड़ी में तुम लेके क्या जा रहे हो? ये मन का काम नहीं है। मन का काम तो केवल ड्राइविंग करना है। तुम गाड़ी में लोड कर दो और वो लेके चल पड़ेगा। तुमने क्रोध लोड किया तो क्रोध कराना शुरू कर देगा। तुमने मान लोड किया, वो मान कराना शुरू कर देगा। तुमने मायाचारी लोड करी, वो करवा
वो फल नहीं जानता है, मन को नहीं पता है कि क्या फल होगा क्या फल नहीं होगा। जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक मन आत्मा का काम करने वाला नहीं है। आत्मा को जागृत होना पड़ेगा मन से अपना काम करवाने के लिए, और जब तक आत्मा सोई हुई है तब तक कर्म काम करेंगे। जैसे जंगल में शेर होता है, शेर सो रहा है तो सारे पशु पक्षी आराम से घूम रहे हैं, हैं? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्यों भाई? शेर सो रहा है। और शेर जाग जाए और एक दहाड़ लगा दे तो सारे के सारे पशु पक्षी अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। ऐसे ही आत्मा अभी सुप्त अवस्था में है, और जिस दिन जागृत हो जाए तो सारे कर्म भी इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। अभी तो कर्मों के द्वारा चलाया हुआ मन कर्म का काम कर रहा है। मन भी एक नौकर के ही समान है, मन भी अपने आप में मालकियत से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ संस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि किसी कोई घर में पुराना नौकर हो तो उसे पता है कि सुबह से शाम तक क्या काम करना है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, वो अपना काम समय पर कर लेता है। ऐसे ही अनादि काल से मन संस्कारित हो गया है किससे? क्रोध करने में, मान करने में, मायाचारी करने में, लोभ करने में, हास रति अति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद में ये निपुण है। अनादि काल से यही काम किए हैं मन ने, आत्मा का काम नहीं किया है, क्योंकि अन्य पर्यायों में आत्मा को जागृत होने की योग्यता नहीं थी। योग्यता तो मनुष्य पर्याय में मिली है आत्मा को जागृत होने की, और अभी भी यदि सोते सोते निकाल दिए ये वाला जन्म तो फिर आगे तो सोने वाला जन्म मिलेगा, फिर तो कहीं जागृत होने वाले है ही नहीं। तो ये जो मन काम कर रहा है सुबह से शाम तक, क्या आपका मन क्या काम करता है सुबह शाम तक? मेरा रोज नियम है मंदिर जाने का, तो मंदिर चला जाता है, मन को पता है मंदिर जा, ये रोज जाते हैं तो चलो मंदिर जाना है, नहाना है, खाना है, पीना है। इसमें से पुद्गल का काम कितना होता है और आत्मा का काम कितना होता है? कितने घंटे मन पुद्गल का काम करता है और कितने घंटे मन आत्मा का काम करता है? अरे बताइए ना, मिनट में भी टिके ना टिके ये जरूरी नहीं है। मान लो माला फेरना आत्मा का काम है, अब लेकिन मन ही ना टिके उसमें तो वो भी फिर वो कर्मों का काम हो गया, फिर वो आत्मा का नहीं रहा। और कर्म जो है कुछ पिछले जन्म के हैं, कुछ उसके पिछले जन्म के हैं, कुछ इसी जन्म के हैं, कोई एक जन्म के कर्म तो है नहीं। पिछले जन्म में जो बीज डाले थे वो अब पेड़ बन गए हैं और अब उनके फल हम खा रहे हैं। तो क्या पिछले जन्म से जो हम काम करते हैं वो हमारे इस जन्म में साथ आते कि नहीं आते? अरे बोलिए ना, हैं? पिछले जन्म में हम जो भी काम करते हैं वो इस जन्म में हमारे पास आता है कि नहीं आता है? आता है। किस रूप में आता है? कर्म के रूप में आता है। किस रूप में आता है? सॉफ्ट होके आता है। यानी पिछले जन्म में यदि आपने खूब पढ़ाई करी होगी, खूब पढ़ाई करी होगी, तो इस जन्म में बच्चा इतना होशियार होता है कि वो छोटा सा बच्चा दुनिया भर के जवाब दे देता है। अभी मुझे किसी ने एक कुछ दिन पहले वीडियो बताई थी कि एक छोटा सा बिल्कुल 4-5 साल का लड़का, और पता नहीं दुनिया भर की जानकारी जो उसे पढ़ना नहीं आता था, और उसने दुनिया भर की जानकारी बिना बताए दे दी, या उनके घर वालों ने एक बार बताया होगा पर याद हो गया। कैसे याद हो गया? पिछले जन्म के संस्कार थे, इस जन्म में जल्दी आ गए। मुझे ये बताओ, संसार में कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन है क्या जहां क्रोध करना सिखाया जाता हो, जहां मान करना सिखाया जाता हो, जहां लोभ करना सिखाया जाता हो? बोलिए, है कोई? प्रेम करना सिखाया जाता है कोई कॉलेज? नहीं है। फिर बच्चा क्या करता कैसे है? उसने कहां से सीखा?
बोलिए, उसने कहाँ से सीखा? बोलना सीखा नहीं, दांत आए नहीं, दिमाग आया नहीं, क्रोध आ गया, मायाचारी आ गई। वैज्ञानिकों ने तो ये भी सिद्ध कर लिया है कि 6 महीने का बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब आप पूछोगे 6 महीने का बच्चा बोलता तो है नहीं, झूठ कैसे बोलेगा? अब मान लो उसे उसके हाथ में कोई चीज है और आपने उससे ले ली, तो झूठ मूठ को रोने लगता है और जैसे ही आप देते हो चुप हो जाता है। ये झूठ ही तो हुआ, सही सिद्ध किया वैज्ञानिकों ने। बिल्कुल भगवान महावीर के अनुसार भी सही है कि कषाय जागृत हो गई, पाप आ गया। ये झूठ बोलना उसे किसने सिखाया? पिछले जन्म के संस्कार। यदि पिछले जन्म के बुरे संस्कार हमारे साथ आ सकते हैं तो क्या पिछले जन्म के अच्छे संस्कार साथ नहीं आ सकते? या हम इस जन्म में जो अच्छे संस्कार डालेंगे तो क्या वो संस्कार अगले जन्म में साथ नहीं जाएंगे हमारे? अरे बोलिए ना, जाएंगे। अब इतना तो पता चल गया कि इस जन्म की चीज हमारे अगले जन्म तक साथ जाती है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो वो भी साथ जाता है, हम सत्य बोलते हैं तो वो भी साथ जाता है, हम लोभ करते हैं तो वो भी साथ जाता है, और क्रोध करते हैं तो वो भी साथ जाता है। यानी इस जन्म की सारी चीजें हमारे उस जन्म तक साथ जाती हैं। जो जो काम आप एक बार में सीख जाओ वो इस जन्म का फल नहीं है, ये पिछले जन्म के संस्कार है। और जिस काम को सीखने में बार बार मेहनत करने के बाद भी वो काम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो काम तुमने पिछले जन्म में नहीं किया था, इसलिए अब नहीं कर पा रहे। अब इसको सीखने में करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पिछले जन्म के संस्कार साथ हैं। यदि आप इस जन्म में स्वाध्याय करेंगे तो क्या ये अगले जन्म में साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यानी इस जन्म में ऐसा बताते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब बचपन में थे तो वहीं पास में कोई बावड़ी होगी वहां पहुंच जाते थे और वहां बैठकर ध्यान करते थे। और वो जो है कभी मंदिर में पहुंच जाते थे, मंदिर में बैठ के ध्यान करने लगते थे। एक रात तो उन्होंने माली से कह दिया कि बाहर से ताला लगा दे, मैं अंदर ही बैठूंगा, और वहां ध्यान करने बैठ गए। उस बच्चे को ध्यान करना किसने सिखाया? पिछले जन्म के संस्कार। कब के संस्कार हैं? पिछले जन्म में साधु रहे होंगे, ध्यान करते होंगे, चर्या का पालन करते होंगे, तो इस जन्म में देखा और सीख किया। और देखने की भी जरूरत नहीं है, अंदर से भाव उमड़ते हैं। मैंने जब पहले 12 भावना, मंगत राय का 12 भावना आपने पढ़ी होगी? पढ़ी है? नहीं पढ़ी, अब पढ़ना है। जब मैं करीब 12-13 साल की थी तो वहां पर मंदिर में एक महिला बैठ के पढ़ रही थी और बड़ी अच्छी तर्ज में गा रही थी। उसने शुरू ही करी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं खींची उस तरफ। जो वो पढ़ रही है उसके शब्द मेरे कान में जा रहे हैं और मैं उसकी तरफ खिंची। 12-13 साल की उम्र क्या होती, बहुत छोटी उम्र है, और 12 भावना तो अच्छी बड़े बड़े में नहीं पढ़ी होगी। अब मैं उस तरफ खिंची, मैं जाके बैठ गई। मैंने पूछा क्या है? उन्होंने बताया 12 भावना, जिनवाणी लेके बैठ गई। और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई, इतनी अच्छी फीलिंग आई कि वो फीलिंग मुझे आज तक याद है। और मतलब 2-3 दिन तक तो मैं 12 भावना में ही घूमती रही और मैंने रोज पढ़ना शुरू कर दिया उस समय। ये खिंचाव कहाँ से आया? इस जन्म का था, पूर्व जन्म का था। यानी धर्म करने में अपने आप मन कर रहा है, नहीं ऐसा करना है, नहीं ऐसा करना है, इसका मतलब तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अब एक बच्चे को धक्का मार मार के मंदिर भेजो, नहीं जाता है। और एक बच्चा कहता मम्मी मंदिर चलो ना, मम्मी मंदिर चलो ना, भाई क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार उसे खींच के मंदिर ले जा रहे हैं। तो ये मन वही काम करता है और ये मन वही चीज जल्दी सीखता है जो चीज इसने पिछले जन्म में ग्रहण की थी, वो चीज को जल्दी सीख जाता है। अब खाने वाली चीज है, भोजन की चीज है,
किसी को सिखाया जाता है कि मुंह से खाया जाता है? अरे बोलिए ना, पैदा होते ही शुरू हो जाता है, पैदा होते ही। कब के संस्कार हैं? अनादिकाल के संस्कार हैं। तो ये जो मोह के संस्कार, कषायों के संस्कार है, वो अनादिकाल के संस्कार हैं, इसलिए बिना सिखाए सीख जाते हैं। जैसे कि घास फूस है, घास फूस उगानी पड़ती है क्या? अरे बोलिए ना, है बारिश हुई, पानी मिला, अपने आप उग गई, ठीक है। और फूल उगाना हो तो, गुलाब लगाना हो तो, हैं, उसमें ध्यान भी देना पड़ता है, खाद भी डालनी पड़ती है, हैं, और उसके बाद उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, बचाना भी पड़ता है। घास को बचाने कौन बचाता है? घास को बताओ, घास तो उग गई तो उग गई, खा ले तो खा ले। इसी तरह से हमारी आत्मा के गुण हैं, वो हमने आज तक प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए उस काम में तो हमें मेहनत लगेगी, लेकिन जो घास फूस के जैसे कषायों के संस्कार हैं, वो हमारे अपने आप उग जाते हैं, उगाना नहीं पड़ते हैं। मोह के संस्कार, बच्चा छोटा होता है, उसकी बुआ उसके घर में आती है, हैं, और यदि उसकी बुआ उसकी मम्मी की साड़ी पहन ले तो क्या होता है आपको पता है? उतारो, मेरी मम्मी की है, उतारो। किसने सिखाया उसको? कब के संस्कार हैं ये अनादिकाल के मोह के संस्कार हैं। मेरा है, मेरी मम्मी की है, उतारो। आप बड़े खुश होते हो, ओहो मेरा बेटा देखो कितना ध्यान रखता है मेरा। बचपन के संस्कार आप देखिए, आचार्य कुंद स्वामी ने पिछले जन्म में एक शास्त्र दान दिया था, उसका प्रभाव, जिस घर में जन्म लिया वो माँ स्वयं बहुत आध्यात्मिक थी, और जब उनका जन्म हुआ तो माँ ने लोरी सुनाई। क्या लोरी सुनाई? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। हे बेटा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है, तू संसार की तरफ से सो जा। माँ सुला रही है, लेकिन क्या कह के सुला रही है? कि संसार की तरफ से सो जा और आत्मा की तरफ से जाग जा। और आज की माँ कौन सी लोरी सुनाती है? अब वो आप जानते हैं, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, और क्या है आगे? लल्ला करे तमाशा। अब तमाशा सिखाया ना बचपन में, अब वो तमाशा ही तो करेगा, फिर बड़ा होके वो तमाशा करता है, फिर तुम्हें बुरा लगता है। अब तुमने जो संस्कार डाले हैं वो ही तो देगा तुम्हें वापिस। उनकी माँ ने सिखाया था तो वो आचार्य कुंद बन गए। यानी माँ के संस्कार बचपन में जो डाले गए वो भी काम करते हैं। तो बात चल रही है मन की, कि मन दो मुहा है, पुद्गल का काम भी कर सकता है और आत्मा का काम भी कर सकता है। मन दो मुहा है, पुद्गल का काम भी कर सकता है और आत्मा का काम भी कर सकता है, लेकिन आत्मा अभी सो रही है। अब नींद में जब आत्मा सो रही है, मोह की नींद में, कौन सी नींद में? मोह की नींद में सो रही है। अब सोती हुई सोता हुआ व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। अब सोती हुई आत्मा क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर रही है। जो मोह करा रहा है वो बुरा है। मोह ने कहा मेरा घर, तो मन ने कह दिया मेरा घर। मोह ने कहा मेरी गाड़ी, तो मन ने कह दिया मेरी गाड़ी। मोह ने कहा मेरा परिवार, तो मन ने कह दिया मेरा परिवार। मन को तो सिखाना पड़ता है, तुम जो सिखा दोगे वो इकट्ठा कर लेता है, वो दिमाग में मशीन है, सेव कर लेता है। ये चीज बताई, ये मेरी है, इसके अलावा मेरी नहीं है, तो मन वहां नहीं जाएगा। मोह सिखा देता है मन को। अभी संस्कार डालने वाला मन पर मोह है, और यदि आत्मा जागृत हो जाए तो मोह के संस्कार कम होने लगते हैं, और मोह के संस्कार कम होते हैं तो आत्मा के गुणों का प्रकट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक मोह के संस्कार ज्यादा रहेंगे तब तक आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। और ये नींद कब टूटेगी, किसके माध्यम से टूटेगी, कहाँ जाकर टूटेगी, इसको तोड़ने वाला कौन है? सारी क्रिया तो मेरे अंदर होगी,
मोह तोड़ने की सारी क्रिया तो मेरे अंदर होगी, लेकिन तोड़ने के लिए देव शास्त्र गुरु का सहारा चाहिए। सम्यक दर्शन जब भी होगा बिना उपदेश के नहीं होगा। शेर की पर्याय में भगवान महावीर को सम्यक दर्शन हुआ था। पर्याय कौन सी थी शेर की? जब मनुष्य थे ना तब नहीं सुधरे। कब सुधरे? जब शेर की पर्याय में थे। पारसनाथ भगवान को सम्यक दर्शन कब हुआ? जब वो हाथी थे। तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? गुरु के उपदेश से हुआ। जब भी आप देखेंगे कि सम्यक दर्शन शुरुआत हुई है तो बिना उपदेश के हो ही नहीं सकती है, और जब सत्य ज्ञान हो जाता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। मैं अलग हूं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, संसार अलग है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो सम्यक दर्शन का बीज के भाव पैदा होने लगते हैं, और जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, है? आपको कुछ नहीं छोड़ना, धन नहीं छोड़ना, चांदी नहीं छोड़ना, सोना नहीं छोड़ना, गाड़ी वाहन घोड़ा कुछ नहीं छोड़ना है। फिर कैसे होगा सम्यक दर्शन? नहीं छोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा? होगा। क्या करना है? बस जो भाव बाहर से जुड़े हुए थे वो अंदर जोड़ लेना है। जो मन में एक दृढ़ता बैठी हुई थी कि ये सब मेरा है, उसे ढीला करके मन में ये विचार करना है कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे केवल उपयोग करने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? उपयोग करने के लिए। घर वही रहेगा, परिवार वही रहेगा, लेकिन भाव बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी। और जिन जिन वस्तुओं के पीछे हम लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जिन जिन चीज़ों के पीछे हम लड़ाई झगड़े कर रहे थे, और जब हमारे मन में आ जाएगा अरे मेरा तो है ही नहीं है, और ले रहा है तो ले, इसके पीछे मैं कलेश करूं, कर्म बंद करूं, तेरे इसके पीछे मैं नरक में जाऊं, नहीं जाना मुझे नरक में, ले लिया तो ले लिया, ले जा, इस धरती का इस धरती पर रहेगा, या मेरे पास रहेगा या उसके पास रहेगा। जो सोना चांदी है वो आज आपके पास में है, इसके पहले किसके पास में था? अरे बोलिए ना, किसी और के पास में था। उसके पहले किसके पास था? किसी और के पास में था। जैसे एक सास है, सास के पास तिजोरी की चाबी है और उसकी कमर में टंगी हुई है। अब वो चाबी उसके पास है तो मालिक कौन हुआ? अरे बोलिए ना, सास हुआ। ठीक है, अब उसको बड़ा अहंकार, मैं मालिक हूँ, यदि बहू को पहनने के लिए चाहिए मेरे से मांगेगी, मांगेगी तो दूंगी, नहीं तो मैं नहीं देने वाली, अहंकार। ठीक है, अब इस संसार में स्थाई तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, उम्र के साथ में उनमो सिद्धारम हो गई, उसकी चाबी उसकी बहू के पास आ गई, अब बहू मालकिन बन गई। अब अहंकार किसको? बहू को। अब बहू मालकिन बनने के बाद कुछ परिवर्तन आया, व्यापार में कुछ गड़बड़ हुआ, सोना निकाल करके देना पड़ा, ले जाओ। अब वो सोना किसके पास? किसी और के पास में। अब मालिक कौन? बोलिए ना, दूसरा हो गया। अब उसके घर की तिजोरी में चला गया, और उसके घर में जिसकी कमर में टांगी, जिसकी कमर में चाबी टंगी है, अब वो मालिक, वो कहता मैं मालिक हूँ। यही हो रहा ना, यानी कमर बदल रही है, चाबी तो वही है, बस कमर बदल जाती है, जिसकी कमर में होती है बेचारा वो अपने आप को मालिक समझता है, होता नहीं है। यदि मालिक होता तो कभी भी उसके हाथ से जाने वाला नहीं था। आपने इतिहास पढ़ा है स्कूल में, है? पहले के राजा कितने युद्ध करते थे, एक राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए, अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कितने युद्ध करते थे, कितने युद्ध हुए हैं, इतिहास भरा पड़ा है लड़ाइयों से, और केवल किस कारण से? जमीन की लड़ाई के कारण से। और राजा हैं कहाँ जो लड़ रहे थे? ये जमीन मेरी है, ये राज्य मेरा है, वो राजा है यहाँ पे? अरे बोलिए ना, है क्या राजा? नहीं है। कहाँ गए वो राजा? चले गए। ओहो, इतनी लड़ाई करी फिर भी चले गए, इसका मतलब हम मालिक थे नहीं, मालिक बनने का प्रयास किया था, असफल प्रयास किया था,
और कितने दिन के लिए? जब तक जीते हैं तब तक के लिए। तो बस यही ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और ये इकट्ठा करवाने वाला मोह है, मान कषाय है, लोभ कषाय है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में एक लकीर पड़ जाती है, आत्मा और शरीर के बीच में एक लाइन आ जाती है, और वो लाइन ही सम्यक दर्शन को जन्म दे देती है। तो बंधुओं, मन मिला है और इसी मन से सम्यक दर्शन हो सकता है। बिना मन वाले को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। जो मन आपके पास में है, ये ही मन सम्यक दर्शन को जन्म दे सकता है। इस मन के माध्यम से ही हम मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं, और इस मन के माध्यम से ही हम नरक का रास्ता खोल सकते हैं। तो भाई बताइए, करना क्या है? रास्ता मोक्ष का खोलना है या नरक का खोलना है? बोलिए ना, हैं? मोक्ष का चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? मैंने कुछ त्याग करने के लिए तो नहीं कहा ना? क्या कहा? केवल श्रद्धा बदलनी है। क्या करना है? केवल श्रद्धा बदलनी है। श्रद्धा के बदलते, दृष्टि के बदलते सृष्टि बदल जाएगी। मोह के कम होते ही सारी चीजों के प्रति जितना दुख भरा पड़ा था, एक तो सुखी हो जाओगे और दूसरा सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब सुखी करने के लिए बाहर के पदार्थ चाहिए या ज्ञान चाहिए? बोलिए ना, सम्यक दर्शन गरीब को हो सकता कि नहीं? बोलिए, हो सकता है। जिसके पास धन नहीं है उसको सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं? हो सकता। अच्छा, दादी ने कह दिया हो सकता है, हैं? आप पूछना दादी से अपनी कि दादी सम्यक दर्शन क्या होता है, हैं? फिर समझना, फिर आप मुझे आके बताना क्या होता है। अभी नहीं, घर जाके डिटेल में, विस्तार में, ठीक है, हैं? तो इस तरह से मन मिला है, तुम्हें भी मिला है, तुम्हारे बच्चों को भी मिला है। डाल दो बीज सम्यक दर्शन के, डाल दो बीज उनके अंदर वैराग्य के। कल स्वाध्याय चल रहा था, संघ में जो दीदियां हैं वो एमए, बीएमबीए, एमबीए हैं, तो चर्चा करते हुए जब चल रही थी ये सारी बातें, तो उन्होंने पता क्या बात कही, उन्होंने एक बात कही, बोले जो मैं यहाँ आके पढ़ रही हूँ, ये सारा यदि जो लौकिक पढ़ाई है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, यदि एक सब्जेक्ट ये भी पढ़ाया जाए तो दुनिया के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन। मतलब क्या थिंकिंग थी उनकी, क्या उनके विचार था कि जो मैं पढ़ रही, जो मुझे यहाँ आके मैंने मुझे पढ़ने मिला है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, ये चीज़ यदि मुझे स्कूल से पढ़ने मिल जाती तो आज मेरे अंदर और भी ज़्यादा परिवर्तन आ गया होता। लेकिन बस यही है, पंचम काल है, दुख बढ़ना है, दुख के रास्ते वही है ना। फिर इसलिए सुख तो किसी किसी को मिलना है, जो करेगा, जो पढ़ेगा उसे मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी नहीं सुख प्राप्त कर रहे, इसका कारण पाप कर्म का उदय है। यदि पुण्य का उदय होता तो स्वाध्याय में मन लगता, पुण्य का उदय होता तो पूजा पाठ विधान में मन लगता, पुण्य का उदय होता तो ध्यान में मन लगता, ध्यान की तरफ मन जाता कि नहीं मुझे ध्यान करना है, बहुत हो गई तुम्हारी ये घर की खिचड़ी, अब छोड़ो मैं तो अपने एकांत में बैठ के ध्यान करूंगी, है पुण्य का उदय हो तो, और पुण्य का उदय ना हो तो जागृत करो पुण्य को, ऐसा भी तो हो सकता भाई। जो वास्तुशास्त्री क्या कहते, अरे ये जमीन सुप्त अवस्था में है, इसको जागृत करना पड़ेगा। किसके माध्यम से करना पड़ेगा? बोले मंत्रों के माध्यम से करना पड़ेगा। जब मंत्रों के माध्यम से जमीन में जागृत हो, जागृति आ सकती है, तो हमारी आत्मा में क्यों नहीं आ सकती है? बस संगति की जरूरत है, बस उपदेश सुनने की जरूरत है, बस ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। ज्ञान प्राप्त होते ही जहां जहां से दुख आ रहा है वहां वहां से सुख आने लगेगा। तो मन को सिखाना पड़ता है। मन को घर के काम सिखा दिए, मन घर का काम करने लगा। मन को रिश्तेदारों से बातचीत करना सिखा दिया, मन उनसे वैसी बातचीत करने लगा। अब मन को सिखाओ धर्म कैसे करना है, मन को सिखाओ स्वाध्याय कैसे करना है, मन सीख जाएगा।
बहुत अच्छी चीज है मन, बहुत बढ़िया चीज है। इसे माला फेरना सिखाओ, इसे ध्यान करना सिखाओ, ये जरूर सीखेगा। तो मैं चाहूंगी आपका मन माला फेरना सीखे, ध्यान करना सीखे, ताकि इस मन के माध्यम से हमारी आत्मा अपना काम कर सके। अभी तक मन ने अनादि काल से केवल दूसरों का काम किया है, और उसका परिणाम ये है कि पंचम काल में हम यहाँ तक आ गए, और अभी भी हम मन के अनुसार ही चलते रहे, मनमानी करते रहे। क्या कहते हैं ना, मनमानी मत कर, बच्चे से कहते हैं मनमानी मत कर, जो कह रहे हैं कर ले। अब आत्मा यदि ये बात मन से कहे कि मनमानी मत कर, मेरा काम कर, तो मामला ठीक बैठ जाएगा, है ना। चलने में पाठ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, बड़ा ही महत्व, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ पर आने का, बड़ा ही महत्व, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का, बड़ा ही महत्व। कहाँ से आए आप लोग? जयपुर से आए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का, बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का, बड़ा ही महत्व। इंदौर से जिले में महापौर का, देखने में गौर का, और आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व। बोले चौबीसों भगवान की जय।